बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ी 70 सीटों में से महज 19 सीट जीत पाने वाली कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में वाम दलों के साथ औपचारिकता गठबंधन करने जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर समझौता तो हुआ था, लेकिन दोनों दलों के बीच जमीनी स्तर पर कोई भी समन्वय नहीं था। दोनों के अलग एजेंडे थे और दोनों के नेताओं ने अलग अलग प्रचार किया था। सिर्फ अंतिम चुनावी सभा में राहुल गांधी के साथ मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव दासगुप्ता दिखाई दिए थे। तब कांग्रेस ने 92 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से वह 12.25% मत लेकर 44 सीटें जीतने में सफल साबित हुई थी, जबकि CPI और CPM ने मिलकर 159 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और 21.2% मत पाकर उनके 27 विधायक जीते थे। RSP और फॉरवर्ड ब्लॉक ने 5 सीटों पर विजय पाई थी और 4.5% मत पाए थे, यानी गठबंधन को कुल मिलाकर 39% मत मिले थे। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।